हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई पीसी से कार्टून कैसे बनाएं। नहीं जी हाँ, मैं मानता हूँ इस वीडियो को आपको देखने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा होगा, लेकिन ये स्पेशल वीडियो के लिए भाई थोड़ा सा आपको वेट करना है। और मैं आपको बता दूँ भाई, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके लिए मैंने पहले ही इसका ट्यूटोरियल डाल दिया है, आज ये फ्री है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सब ट्यूटोरियल पहले से लेना चाहते हैं, तो आप चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी जल्दी ये सब मिल जाएंगे। तो आज हम सिंपली से जो है वो पीसी पर कार्टून बनाना सीखेंगे, जो पीसी मेरे पास रखा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो और उसके साथ ही गाइस, मैं आपको बता दूं, अभी ये ब्लेंडर का कोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पीसी में ग्राफिक्स कार्ड ना होने के कारण अभी ब्लेंडर वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो ब्लेंडर पर भी मैं वीडियो या ट्यूटोरियल अपने जो भी हैं वो लाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए और उसी के साथ मैं बता दूं कि भाई ब्लॉग चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ब्लॉग चैनल हमने अपना स्टार्ट कर दिया है, 3 से 4 ब्लॉग अपन ने वहाँ पर डाल भी दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए ब्लॉग चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बस चलिए अब चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं आपको सिंपली से बारीकी से बताऊँगा कि भाई आपको किस तरह से कार्टून बनाना है। अब वो 2 स्टेप में, एक फर्स्ट रहेगा कार्टून डाउनलोड करना, जो कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने पीसी से कार्टून डाउनलोड करने की वीडियो आपको बना दी थी, इसकी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे पहले इस वीडियो को जाइए और देख लीजिए और वहाँ से कार्टून आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें वॉइस देना और मार्ज करना हम सीखेंगे सिंपली से पीसी से। तो वो किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, वो हम सीधा पीसी पे आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जो वीडियो मैंने यहाँ पर बताई थी आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और उसी के माध्यम से आप, अगर आप वो वीडियो को अभी तक नहीं देखते तो गाइस ये आपके समझ में नहीं आने वाला, पहले आप जाके वो वीडियो देखिए फिर इसको देखिए। तो चलिए चलते हैं पीसी स्क्रीन पर। दिल से बुरा लगता है यार। गाइस मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की होम स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। अब सिंपली से आपको उस वीडियो से कार्टून जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैं अपना फिल्मोरा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो फिल्मोरा जब तक मेरा ओपन हो रहा है, आपको मैं बता दूँ कि भाई उस वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखिए और उससे आप कार्टून डाउनलोड कर लीजिए। अब कार्टून डाउनलोड करने के बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ये देखिए मेरा फिल्मोरा ओपन हो रहा है, मैं अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि जल्द हो जाए, क्योंकि फिल्मोरा ओपन होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब मेरे को कमेंट्स करके बताना है गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही है। तो चलिए मेरा जो फिल्मोरा है वो ओपन हो चुका है। अब मैं सिंपली से जाऊँगा इस प्लस वाले आइकन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई मैंने इसका लाइसेंस जो है सक्सेसफुली परचेस किया है। अगर आपने नहीं किया है तो भाई सबसे पहले या तो आप इसको कहीं से भी जुगाड़ कीजिए या फिर इसको परचेस कीजिए, तब आपका फिल्मोरा वर्क कर पाएगा। चलिए मैं डाउनलोड में जाता हूँ और डाउनलोड में मैंने कुछ फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हैं जो कि आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए ये कर ली, मैं इम्पोर्ट में जाता हूँ और कुछ वीडियोज़ यहाँ पर और जो मैंने डाउनलोड की हैं वो मैं ले लेता हूँ। वाओ ये जो दोनों सेम हो गए, चलिए कोई भी नहीं, हम दूसरा वीडियो यहाँ पर ले लेते हैं। तो कुछ वीडियो यहाँ पर मैं जो मेरे डाउनलोड में रखी हुई है मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इन वीडियो को डाउनलोड करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो वीडियो आपको फुल समझ में आ जाएगी कि आप इनको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ये कुछ वीडियो यहाँ पर ले ली हैं, अब इनको सिंपली से मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जाऊँगा इस प्लस पर क्लिक करूँगा और 30 FPS पर मैं करता हूँ भाई। तो मैं कर लेता हूँ एक ये कर ली और कुछ वीडियो बस यहीं से मैं ले लेता हूँ जो जो वीडियो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप प्लस पर करते जाएंगे वीडियो वो आपकी लेयर में जाती जाएंगी, ये कुछ नहीं है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये हमारी वीडियोज़ कुछ आ गई हैं, अब शायद ये बीच में कुछ ब्लैंक है, चलिए नहीं है। तो यहाँ पर मैं प्ले करके बता देता हूँ कि कौन कौन सी वीडियो जो मैंने ली हैं। मैं मतलब ऐसा कोई कार्टून बनाऊंगा गाइस कि ये जो बंदा है ये छत से गिरेगा फिर इसको एम्बुलेंस घर पे लेके आएगी, मतलब इस तरह का। तो ये ब्लैंक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो चलिए अब यहाँ पर इसका जो है वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, मतलब जीरो ग्रेविटी में। तो इस तरह से मैं कार्टून बनाने की सोच रहा था। तो चलिए अभी तो मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, वो बाकी की बात हम यहाँ से बाद में करेंगे।
तो यहाँ पर आप और भी सारे कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, इसमें कोई वॉल्यूम ना होने के कारण आपको वॉल्यूम अलग से डालना पड़ेगा। वो किस तरह से डालना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर भी आप इसका जूम लेवल मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं और प्ले करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको माइक का ऑप्शंस दिख रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सिंपली से वॉइस दे सकते हैं इसमें, जो कि काफ़ी आसान है अगर आप काइंड मास्टर यूज करते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए, आप वॉइस दे सकते हैं। अब मेरा कोई इनपुट मीडिया यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, तो मेरे पीसी में अभी कुछ माइक वगैरह कनेक्ट नहीं है, तो मैं वॉइस तो नहीं दे सकता गाइस। लेकिन आपको बता दूं किस तरह से देना है। आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है, 3, 2, 1 ये होके और आपका वॉइस जो है वो अनेबल हो जाएगा। अब यहाँ से आप कुछ भी बोलते जाओगे तो आपका जो है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप स्टोरी बना सकते हैं, जैसे हेलो गाइस, कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अपना हालचाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो इस तरह से आप अपनी कार्टून की वॉइस बना सकते हैं और इसमें से आप चेंज भी कर सकते हैं। और जितना आपको वॉइस देना है उतने के बाद ही इसको यहाँ से स्टॉप कर देना है। तो चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ और ये जो है वो सिंपली से स्टॉप हो गई। अब ये हमारी वॉइस यहाँ पर लग गई है, आप देख सकते हैं हमारी वॉइस सक्सेसफुली यहाँ पर लग गई है। अब इसके बाद सिंपली से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कोई भी, जैसे इस पर आपको डबल क्लिक करना है और ऊपर कलर्स में जाना है और एडवांस में जाना है। इसका थोड़ा बहुत कलर आपको चेंज करना है। तो एडवांस में जाने के बाद आपको एग्जिट, जी हाँ, जो साइड में है इस पर करना है। इसको ऑटो पे करते हैं तो देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया। ये पुराना कलर्स है और ये न्यू है, मतलब एक ऑटो के कारण। देखिए मैं यहाँ पर आपको पुराना नया बार बार से दिखा रहा हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं कि भाई कितना कुछ चेंज है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ओके कर दें। आप सिंपली से एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको माय वीडियो दिखा मिल जाएगा। चाहे तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। मैं सिंपली से अपने कीबोर्ड को दोनों हाथों से दबा देता हूँ, देखते हैं क्या क्या लिखाई आता है। और इसके बाद आप सेटिंग्स में जाके भी काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे जो एक्सपोर्ट है, आप इस पर जाकर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट है तो भाई नीचे कमेंट्स करके बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ब्लॉग वाले चैनल्स को भी। सो बस, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।